दोस्तों जय हिंद। जैसा कि आज हम आपके लिए एक नया स्मार्टफोन लेके आ चुके हैं जिसका आज हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं। जी हाँ, वीवो का Y200e जिसका कि आज हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं। इंडियन मार्केट में इस फ़ोन को 22 फरवरी को लॉन्च कर दिया जाएगा और इस फ़ोन की बहुत ही सारी फीचर्स आपके सामने आ रहे हैं। इंडियन मार्केट में कुछ इनके फीचर आ गए हैं जो कि आपको बताया जा रहा है। ये फ़ोन फीचर के मामले में बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। इस फ़ोन का कैमरा से लेके डिज़ाइन से लेके बहुत ही शानदार रहने वाला है। इस फ़ोन में आपको बहुत सारी चीज़ें बताएंगे कि कैसा फ़ोन रहने वाला है, कैसा ये इस फ़ोन का कैमरा रहने वाला है, कैसा लुक डिज़ाइन बनाया गया है, कौन से वेरियंट में अवेलेबल है और सारी बातें आपको बताई जाएंगी। ये फ़ोन बहुत ही बेहतरीन डिज़ाइन के साथ बनाया गया है। वीवो Y200e बैक से ये लेदर डिज़ाइन रहने वाला है और साइड से ये मेटल में रहने वाला है। इससे पहले Y200 जो कि पीछे बैक में प्लास्टिक डिज़ाइन था और साइड में प्लास्टिक था, तो ये बहुत ही शानदार डिज़ाइन के साथ बनाया गया है वीवो Y200e और शानदार लुकिंग के साथ इस फ़ोन को एक लेदर डिज़ाइन के साथ बनाया गया है। यह फ़ोन लुकिंग के मामले में तो बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है। इस फ़ोन में ओरा लाइट नहीं दिया गया है, बाकी पहले वाला जो वेरिएंट था Y200 उसमें ओरा लाइट था। स्क्रीन क्वालिटी आपको दिखा रहे हैं, स्क्रीन क्वालिटी बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। स्क्रीन क्वालिटी के साथ ये फ़ोन भी बहुत ही लुकिंग के मामले में बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। इस फ़ोन में आपको बहुत शानदार फीचर मिल जाते हैं जो कि आप इसमें देख पाते हैं। कैमरे के साथ साथ इसमें सी टाइप का पोर्ट रहेगा जो कि बेहतरीन डिज़ाइन में बनाया गया है। इस फ़ोन में बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छे फीचर दिए गए हैं जो कि ये फ़ोन बजट में रहने वाला है और ये फ़ोन आप नॉर्मल से लेके बहुत अच्छे यूज़ तक इस फ़ोन में कर सकते हैं। इस फ़ोन में 6.7 इंच का FHD AMOLED डिस्प्ले रहेगा जो कि 120 हर्ट्ज पे काम करेगा। इसका फ़ोन का रिफ्रेश रेट अच्छा है, इस फ़ोन का रिफ्रेश रेट 120 है जो कि आप किसी भी एप्लीकेशन को आसानी से अच्छे से चला सकते हैं। फ़ोन किसी भी मामले में हैंग नहीं होगा। फिंगरप्रिंट इन सेंसर मिलेगा आपको फ़ोन में। इस फ़ोन में फिंगरप्रिंट AMOLED डिस्प्ले होने के कारण सेंसर में है। इसकी डिस्प्ले क्वालिटी बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है और इसकी पिक्चर क्वालिटी की बात करें तो बहुत ही ज़बरदस्त पिक्चर क्लियरिटी होने वाला है। कैमरे के साथ साथ में इस फ़ोन का पिक्चर क्लियरिटी बहुत ही शानदार होने वाला है। इस फ़ोन का आपको पिक्चर क्लियरिटी दिखा रहे हैं, बहुत ही डिज़ाइन के साथ आपको इसका पिक्चर क्लियरिटी भी दिखा रहे हैं। बहुत ही शानदार तरीके से इस फ़ोन को बनाया गया है। इस फ़ोन के डिज़ाइन को बनाया गया है साथ साथ जो कि Snapdragon 4 Gen के प्रोसेसर के साथ आने वाला है। के मामले में Snapdragon प्रोसेसर मिलने वाला है फ़ोन, ना तो और प्रोसेसर ना ही आपका फ़ोन शानदार और बैटरी के मामले में ये फ़ोन ज़बरदस्त होने वाला है और शानदार तरीके से आप इस फ़ोन में गेमिंग भी कर सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं गेमिंग के मामले में इस फ़ोन को लेने के लिए तो बहुत ही शानदार रहने वाला है। इस फ़ोन में आप बहुत ही अच्छे तरीके से गेमिंग कर सकते हैं और नॉर्मल यूज़र के लिए भी ये फ़ोन बहुत ही शानदार होने वाला है और जो लोग गेमिंग खेलना चाहते हैं या गेमिंग करते हैं तो उनके लिए भी यह फ़ोन बहुत ही शानदार रहने वाला है। इस फ़ोन में आप गेम खेल सकते हैं अच्छे से, आपका फ़ोन ना तो हीट करेगा ना ही फ़ोन आपका लैग होगा। इस फ़ोन में आप बहुत ही शानदार तरीके से गेम खेल सकते हैं। रेडमी का 12 जो प्रोसेसर के मामले में आया हुआ था वही प्रोसेसर इस मोबाइल में दिया गया है, Snapdragon 4 Gen 2 जो कि दिया गया था। पहले वाले फ़ोन में ये प्रोसेसर नहीं दिया गया था और Y200 में Snapdragon 4 Gen का प्रोसेसर था और इस फ़ोन में LPDDRX4 इंटू रैम टाइप USFF 2.2 स्टोरेज टाइप दिया गया है जिससे कि आपका फ़ोन 1% भी बैक नहीं हो सकता है और ना ही लैग होगा। ये फ़ोन रिफ्रेश रेट के मामले में 120 रिफ्रेश रेट पे काम करता है जो कि फ़ोन आपका 1% भी किसी भी मामले में कम नहीं रहने वाला है। इस फ़ोन में रैम भी आप एक्सपेंडेबल कर सकते हैं। इसमें आप अगर वेरिएंट लेते हैं 8GB वाला तो उसमें आप 8GB रैम प्लस कर सकते हैं, एक्सपेंडेबल आप रैम कर सकते हैं। और इसमें ड्यूअल स्ट्रीट स्पीकर भी दिया गया है जो कि आप कोई भी सॉन्ग चलाते हैं तो ड्यूअल स्ट्रीट स्पीकर में आपका दोनों तरफ आवाज़ आएगा। इस फ़ोन को लेदर डिज़ाइन के साथ बहुत ही शानदार तरीके से बनाया गया है और
बहुत ही शानदार यूनिक डिज़ाइन के साथ इस फ़ोन को एक न्यू डिज़ाइन दिया गया है। और इस फ़ोन में आपका कैमरा बेहतरीन रहने वाला है। बैक कैमरा 50 मेगापिक्सल का, सेकंड कैमरा जो रहने वाला 2 मेगापिक्सल का, और थर्ड कैमरा इसका फ्लेक्चर सेंसर पे काम करेगा। यह अभी नहीं आया है इसमें क्या रहने वाला है। फ्रंट कैमरा इसका 16 मेगापिक्सल का रहने वाला है, जो कि बेहतरीन डिज़ाइन के साथ इस फ़ोन को बनाया गया है। इसमें आप 1080 पे बहुत ही अच्छे तरीके से कैमरे से आप फ़ोटो खींच सकते हैं, जिसका कि पिक्चर क्लियरिटी अच्छा ही रहने वाला है। इसके पिक्चर क्लियरिटी के साथ आप इस फ़ोन को भी ले सकते हैं। गेमिंग के मामले में, कैमरे के मामले में बहुत ही शानदार रहने वाला है। और इस फ़ोन का बैटरी बैकअप भी बहुत अच्छा रहने वाला है। इस फ़ोन का बैटरी बैकअप 5000 mAh रहने वाला है, और बहुत 44 वोट के फास्ट चार्जर के साथ 5000 mAh बैटरी इस फ़ोन में आपको मिल जाता है। और इसके साथ आपको बहुत ही शानदार तरीके से आपको इसमें USB मिल जाता है और डुअल स्पीड स्पीकर मिल जाता है, जो कि बहुत ही शानदार रहने वाला है। और इसका थिकनेस 7.99 mm थिकनेस रहने वाला है, और 185 ग्राम का ये फ़ोन रहने वाला है। और इसमें आपको एंड्रॉयड वर्जन 14 मिलेगा, जिसमें कि बहुत ही अपडेट दिया गया है। एंड्रॉयड वर्जन 14 में बहुत ही अपडेट आएगा, और अच्छा अपडेट आएगा। और एक यूनिक डिज़ाइन दिया गया है, जो कि लेदर में बनाया गया है। इस फ़ोन को लेदर डिज़ाइन के साथ बहुत ही शानदार रहने वाला है। इस फ़ोन में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, जो कि बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है। इस फ़ोन में आपको कलर डायमंड कलर और सेफ्रोम डिलाइट कलर मिलने वाला है। और यह फ़ोन गेमिंग के मामले में भी अच्छा रहने वाला है। डिस्प्ले में भी बहुत ही शानदार रहने वाला है। और फ्रंट टच OS 14 जो मिलेगा आपको इसमें प्रोसेसर, यह फ़ोन आपको 2 वेरिएंट में मिलेगा, 6GB रैम 128GB स्टोरेज और 8GB रैम 128GB स्टोरेज। 6GB रैम 128GB स्टोरेज 19,999 रुपये का, और 8GB रैम 128GB स्टोरेज 20,999 रुपये में मिलने वाला है। और जहां तक कि बैंक डिस्काउंट के बाद आपको बहुत अच्छे रेट पर यह फ़ोन मिलने वाला है।